जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी के शब्दों में भगवान नाम की महिमा के कुछ रोचक वाक्य। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, जिस प्रकार आग में दाही का शक्ति स्वाभाविक है, उसी प्रकार भगवान नाम में पाप को, विषय प्रपंच में जगत के मोह को जला डालने की शक्ति स्वाभाविक है। इसमें भाव की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार भी नाम जीभ पर आना चाहिए, फिर नाम का जो स्वाभाविक फल है वह बिना श्रद्धा के भी मिल ही जाएगा। तर्कशील बुद्धि भ्रांत धारणा करवा देती है कि बिना भाव के क्या लाभ होगा, पर समझ लो ऐसा सोचना अपने हाथों अपने गले पर छुरी चलाना है। भाव हो या नहीं, हमें आवश्यकता है नाम लेने की, नाम की आवश्यकता है भाव की नहीं। भाव हो तो बहुत ठीक, परंतु हमें भाव की ओर दृष्टि नहीं डालनी है। भाव न हो तब भी नाम जप तो करना ही है। देखो, नाम भगवत स्वरूप ही है। नाम अपनी शक्ति से, नाम अपने वस्तु गुण से सारा काम कर देगा। विशेषकर कलयुग में तो भगवान नाम के सिवा और कोई साधन ही नहीं है। मनोनिग्रह बड़ा कठिन है, चित्त की शांति के लिए प्रयास करना बड़ा ही कठिन है, पर भगवान नाम तो इसके लिए भी सहज साधन है। बस भगवान नाम की जोर से ध्वनि करो। तर्क भ्रांति लाती है कि रोटी रोटी करने से पेट थोड़े ही भरता है, पर विश्वास करो, भगवान नाम रोटी की तरह जड़ शब्द नहीं है। यह शब्द ही ब्रह्म है। नाम और नामी में कोई अंतर ही नहीं है। आलस्य और तर्क, ये दो नाम जप में बाधक हैं। प्रायः आलस्य के कारण ही कह बैठते हो कि नाम जप होता नहीं। अभ्यास बना लो, नाम लेने की आदत डालो। नाम ले तो भव सिंधु सुखाही, इस पर श्रद्धा करो, इस विश्वास को दृढ़ करो। कंजूस की भांति नाम को संभालो। निश्चय समझो, नाम के बल से बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाओगे और भगवान के प्रेम को भी प्राप्त कर लोगे। निरंतर भगवान का नाम लो, कीर्तन करो। मेरे विचार से सर्वोत्तम साधन यही है। हारे को हरि नाम, इसी उपाय से सबका मंगल दिखता है, और अन्य उपायों में राग द्वेष उत्पन्न होकर फंस जाने का भय है। भगवान पर विश्वास हो, उनकी कृपा का भरोसा हो और नाम जप होता रहे तो अपने आप ही निर्भयता आएगी, साहस आएगा। विपत्ति का टलना भी इसी उपाय से होगा। मनुष्य जब सब उपायों से हार जाता है तब उसे हरिनाम सूझता है, तभी वह हरिनाम को पकड़ता है और तभी उसे विजय मिलती है। बस दो बातें, भगवान की कृपा पर विश्वास और भगवान के नाम का आश्रय, फिर कोई चिंता नहीं। ध्यान नहीं लगता न सही, मन वश में नहीं होता न सही। भगवान पापी और नीच के भी उद्धारक हैं, यह विश्वास करके केवल जीभ से भगवान के नाम का उच्चारण करते रहो। जय श्री राधे।